आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट यानी बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसके प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आज हम सातवां भाग पढ़ेंगे और सातवें भाग में हम लेंगे जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन आपके कौन कौन से बनते हैं, इसमें से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, और छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल करेंगे, जिसमें अति लघु उत्तरात्मक वाले भी होंगे, लघु उत्तरात्मक भी होंगे, और बड़े निबंधात्मक प्रश्न जो 20-20 अंकों के आते हैं वो प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे। मैं समझता हूं कि आप इसे अच्छे से याद करेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका पहला भाग भी अपलोड किया हुआ है, नेहरू का जो पहला भाग है वो भी अपलोड किया हुआ है, उसमें आपको पूरा परिचय मिलेगा और उसके राजनीतिक विचार मिलेंगे। यानी दो पार्ट, यदि राजनीतिक विचार और पहला पार्ट यदि आप देख लेंगे तो मेरे विचार से ये दोनों पार्ट देखते ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के इन प्रश्नों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मॉडल पेपर और अन्य क्वेश्चन बैंक अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर प्रश्न आ जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, तो सीधी सी बात है, हम सभी जानते हैं कि 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माँ का नाम स्वरूप रानी था, ये जानते ही हैं। दूसरा है, विद्यार्थी जीवन में नेहरू जी किस समाजवाद से प्रभावित हुई? विद्यार्थी जीवन, तो यहां से लिखना है कि विद्यार्थी जीवन में नेहरू जी वेब दंपति का जो फेबियनवादी समाजवाद है, यानी सिडनी और बेट्रिस वेब, जो वेब दंपति थे, सिडनी वेब और बेट्रिस वेब, ये दोनों पति पत्नी थे, इनके द्वारा जो लिखित बातें थी उनका जो समाजवाद था या फेबियनवादी समाजवाद से प्रभावित हुए, और इस फेबियनवादी समाजवाद से प्रभावित होकर गई 1910 में वो आयरलैंड के जो सिनफिन आंदोलन को देखने के लिए गए थे। सिनफिन आंदोलन जो कहां हुआ था, आयरलैंड में हुआ था, और वहां ये देखने के लिए गए थे। प्रश्न आ जाता है कि नेहरू जी गांधी जी के किस आंदोलन से प्रभावित हुए? तो गांधी जी के नेतृत्व में जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन चल रहा था उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए, और 1916 में लखनऊ के कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उस समय भी वो गांधी जी के संपर्क में आए थे। तो यानी 1916 में वो उनके संपर्क में आए थे, और गांधी जी का जो रंगभेद विरोधी आंदोलन था जो उन्होंने सुना तो उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसी पार्ट में से एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई, और वो हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। नेहरू जी सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने, और वो बने थे यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में उन्हें राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष भी चुना गया था। अब प्रश्न इनमें से यह भी आ सकता है कि राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष उन्हें कब चुना गया, तो 1938 में चुना गया था। नेहरू जी शिमला सम्मेलन में कब शामिल हुए, और वो हुए थे 1945 में। कब हुए थे? 1945 ईस्वी में शामिल हुए थे। अब बड़े प्रश्न आ जाते हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है कि नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया, तो वो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई संविधान निर्माता सभा का, फिर 11 दिसंबर को और बैठक हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को यानी स्थायी अध्यक्ष चुना गया, फिर 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 27 मई 1964 को उनका देहांत हुआ था। देहांत के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो ये देहांत हुआ था। तो ये तो एक छोटे छोटे प्रश्न थे। अब बड़े प्रश्न आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं लिखी है, रचनाएं भी आपको याद रखनी है। विश्व इतिहास की झलक जो 1934 में लिखी गई थी, आत्मकथा 1936 में लिखी, भारत की एकता यूनिटी ऑफ इंडिया वो भी उन्होंने 1941 में लिखी, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1947 में लिखी, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर 1929 में लिखी, यानी ये जो है उनकी प्रिय बेटी जो प्रियदर्शनी यानी इंदिरा गांधी को नेहरू जी ने जो पत्र लिखे थे उन पत्रों का संकलन है ये 4 नंबर जो रचना है। अब प्रश्न आ जाता है कि धर्म निरपेक्षता के संबंध में नेहरू जी के क्या विचार थे, धर्म निरपेक्षता के संबंध में। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि नेहरू जी के अनुसार धर्म निरपेक्षता समस्त विश्व के लिए एक उचित मार्ग है। धर्म निरपेक्षता से आप जानते हैं जिसमें किसी भी धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं होता है, सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की एकता को बनाए रखने के लिए धर्म निरपेक्षता ही एक मार्ग हो सकता है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए किसी भी धर्म की यानी किसी भी धर्म को विशेष दर्जा देना ठीक नहीं है। दूसरा वो लिखते थे कि राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
धर्म निरपेक्षता के संबंध में। तीसरी बात लिखते हैं कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता का पालन करते हुए अन्य धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और सौहार्द का भाव रखना चाहिए। यानी एक व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास करता है, अपने धर्म का की पालना करता है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जो धर्म है उनके प्रति भी उसके मन में सहिष्णुता और सौहार्द होना चाहिए, अर्थात उनके प्रति एक सम्मान आदर होना चाहिए। ये नेहरू जी की धर्म निरपेक्षता के बारे में विचार है। चौथा उनका विचार है कि राज्य केवल सामाजिक हित, समाज सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के उद्देश्य से ही व्यक्ति के धार्मिक जीवन और कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर मान लो कोई सामाजिक हित होता है या समाज सुधार का काम होता है, शिष्टाचार है, स्वास्थ्य है या कोई सार्वजनिक व्यवस्था है, इनसे संबंधित राज्य जो है वो व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा उनके धार्मिक जीवन में और कामों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेहरू जी के अनुसार धार्मिक विश्वासों के रूप में प्रचलित जो रूढ़ियां हैं, जो समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और बंधुता के आदर्श से असंगत है, अर्थात जो समानता पर नहीं है, न्याय, मानवीय गरिमा और बंधुता इनसे असंगत है, उन्हें धर्म निरपेक्षता अस्वीकार करने के लिए तत्पर बल देता है। यानी तत्परता से बल देता है कि धर्म निरपेक्ष ये कहता है कि समाज में जो इस प्रकार की रूढ़ियां प्रचलित है जिनसे मानव का सम्मान नहीं होता, मानव की समानता, बंधुता, इनसे अर्थात उनके उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, मानव मानव को समान नहीं समझा गया, इस प्रकार की अगर कोई रूढ़ियां हैं तो उन पर राज्य जो है वो पाबंदी लगा सकता है। छठा है, सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक सद्भाव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव, समाज में रहने वाले अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, हम सभी जानते हैं, तो उन सभी समाजों में जो है सद्भावना होनी चाहिए, अर्थात एक समाज जो है वो दूसरे समाज का आदर करे, इस पर उन्होंने जोर दिया। धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण को सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए। तो ये धर्म निरपेक्षता के संबंध में नेहरू जी के विचार थे। अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि अंतरराष्ट्रवाद की दिशा में नेहरू का योगदान स्पष्ट कीजिए, अंतरराष्ट्रवाद या विदेश, अंतरराष्ट्रवाद कह सकते हैं या विश्व शांति कह सकते हैं, तो अंतरराष्ट्रवाद के क्षेत्र में इसके दो महत्वपूर्ण योगदान है, एक तो गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति, दूसरा है पंचशील के सिद्धांत। दो, अगर छोटा प्रश्न आ जाता है तब तो आपको ये दो ही लिखना है, बड़ा प्रश्न आ जाता है कि योगदान स्पष्ट कीजिए तब आपको इनका वर्णन करना है। तो वर्णन आपको कैसे करना है, सबसे पहले गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का वर्णन हम करके देखते हैं। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के कुछ लक्षण इस प्रकार है। पहला है कि गुटनिरपेक्षता की प्रेरणा और मूल आधार विश्व शांति है। गुटनिरपेक्षता यानी जो उन्होंने जो जब अपने यहां पर वर्ल्ड वार चल रहा था, दो महाशक्तियां जब आपस में लड़ रही थी, तो उनके बीच में यानी अर्थात यू कह सकते हैं कि दूसरे विश्व के जितने भी दोस्त जो देश हैं, उन देशों ने क्या किया कि अपना एक गुट का निर्माण किया, अर्थात उन्होंने एक संघ बनाया और उस संघ में उन्होंने कहा कि हम इन दोनों शक्तियों के किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई अन्याय होगा या विश्व स्तर पर कोई ऐसी घटना घटित होगी तब हम क्या है कि तटस्थ भी नहीं रहेंगे। तो गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का पहला लक्षण है, इसकी प्रेरणा और मूल आधार है विश्व शांति, अर्थात विश्व में शांति हो। हम जानते हैं कि नेहरू जी मानवतावादी और विश्व शांति के उपासक थे, हम सभी जानते हैं, और सच में ये सोचा कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता के बल पर दो परस्पर विरोधी शक्ति गुटों को एक दूसरे के समीप लाने का कार्य कर सकेगा। दो विरोधी गुट जो थे, यानी उस समय जब महाशक्तियों में युद्ध हो रहा था, यानी रशिया में और अमेरिका में जब युद्ध हो रहा था, तो उन दो गुटों को आपस में समीप लाने का काम जो है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति करेगी और स्वयं अपने लिए शांति और तनाव से मुक्ति प्राप्त करेगा। नेहरू की गुटनिरपेक्षता का मूल तत्व भारत और विश्व के लिए शांति ही था। तो पहला तो है गुटनिरपेक्षता का मूल आधार है विश्व शांति। दूसरा है कि गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक नीति थी, नकारात्मक नहीं। नेहरू के काल में गुटनिरपेक्षता जो है अंतरराष्ट्रीय कानून के अर्थ में तटस्थता की नीति या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नकारात्मक नीति नहीं थी, तटस्थता की नीति। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो वो अलग थलग हो गया है और अलग होकर के और जैसे दोनों महाशक्तियों के बीच में जो संग्राम होता है, युद्ध होता है, उनकी तनाव की स्थिति है, उनको देखना, ऐसा नहीं था, तटस्थ भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि वो उनके प्रति कोई नकारात्मक सोच रखता था या किसी एक देश का पक्ष लेता था, ऐसा नहीं था। 1949 की अमरीका यात्रा में अपने एक जो प्रसिद्ध वक्तव्य में नेहरू जी ने यह कहा था कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो, न्याय को आघात पहुंचता है या आक्रमण की घटना घटित होती है,
तब हम ना तो तटस्थ रहेंगे और ना ही हम अर्थात उनमें ना तो हम तटस्थ रहेंगे रह सकते हैं और ना ही रहेंगे, यानी जो है एक निरपेक्ष जितने भी देश हैं, तो हम जो है जब न्याय को आघात पहुंचेगा विश्व स्तर पर, जब शांति भंग होगी तो हम तटस्थ नहीं रहेंगे, उसमें शामिल होंगे और जो सच्चा होगा उसका पक्ष लिया जाएगा। तो नेहरू ने इस बात का को स्पष्ट कर दिया कि गुटनिरपेक्षता स्वतंत्रता सत्य और न्याय का समर्थन करने वाला और आक्रमणकारियों का विरोध करने वाली एक सकारात्मक नीति है। यानी उनका यही था कि भाई जो देश शांति भंग करता है, जिसकी गलती है, उसे समझाया जाए। तीसरा है गुटनिरपेक्षता एक गतिशील नीति थी। गुटनिरपेक्षता एक मूल धारणा में एक स्थिर नीति नहीं, यानी राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलती हुई जो परिस्थितियां थी उनके लिए गतिशील थी। अर्थात विश्व स्तर पर जो परिस्थितियां बदल रही थी, उन परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण अर्थात उन परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने का काम है वो गुटनिरपेक्ष देशों का था। चौथा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व गुटनिरपेक्षता का आवश्यक लक्षण। आवश्यक लक्षण क्या है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अर्थात अगर मान लो दो देशों में अनबन है तो भी वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर यानी वो रह सकते हैं। गुटनिरपेक्षता जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार पर आधारित है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अर्थ यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में विचारधारा और हित संबंधी भेद होने पर भी उनके बीच तनाव, संघर्ष या युद्ध अनिवार्य नहीं है। वे अपने समस्त भेदों और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। यानी जैसे दो देशों के बीच में अनबन है तो भी उन्हें युद्ध करना कोई आवश्यक नहीं है। वो अपने अपने यूं कह सकते हैं कि अपने अपनी जो नकारात्मक नीतियां हैं उनको नियंत्रित करें और शांति से रहें। दूसरा अपन वो अपने देख लिया गुटनिरपेक्षता की नीति। दूसरा उनका सिद्धांत है पंचशील के सिद्धांत। पंचशील में जिसमें पांच सिद्धांत बताए गए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति को अपनाने के लिए समस्त मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए नेहरू जी ने 1954 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ मिलकर के और पंचशील सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया था। पंचशील के पांच सिद्धांत बनाए थे, कहा कि भाई इन पांच का पालन करना है। कैसा? एक तो है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। जब इन दो देशों में नहीं बनती है तो वो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता का सम्मान करे, उस पर आक्रमण करने की नहीं सोचे। दूसरा पारस्परिक अनाक्रमण, मतलब किसी पर एक दूसरा जो है आक्रमण की पहल नहीं करे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, एक देश दूसरे देश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, यानी जो दूसरे देश को एक तरह से चुनौती देने का काम नहीं करे। समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ, अगर मान लो दोनों देशों के बीच में कोई चीज साझा हो रही है तो उसका आनुपातिक रूप से उनका लाभांश वितरित किया जा सकता है। पांचवा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अर्थात दोनों देशों के बीच में अनबन है तो भी वे युद्ध की स्थितियां नहीं आने दे और इस प्रकार की स्थिति बनाए ताकि दोनों देश आराम से रह सके। प्रश्न आ जाता है कि लोकतंत्र पर नेहरू के विचार लिखिए। अब राजनीतिक विचार यदि आपको पढ़ने हैं तो वो पहले वीडियो में पढ़ने होंगे। पहला वीडियो जो है उसमें नेहरू जी के राजनीतिक विचार पूरे दिए हुए हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र पर नेहरू के विचार, पहला है लोकतंत्र सर्वोत्तम व्यवस्था है। नेहरू जी कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है। नेहरू का समस्त चिंतन और कार्यकलाप इस बात का प्रतीक है कि वे महान लोकतंत्रवादी थे और लोकतंत्र में उनकी बहुत गहन आस्था थी। वे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र, इन सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के कटु आलोचक थे। वो कहते थे कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र जो है ये मानव हित में नहीं है, और वो लोकतांत्रिक मार्ग में ही विश्वास करते थे। लोकतंत्र में कुछ ऐसी बातें जो अन्य किसी राजनीतिक व्यवस्था की तुलना में श्रेष्ठ बना देती है, यानी नेहरू जी कहते हैं कि लोकतंत्र जो है अन्य जो तंत्र है अन्य शासनों से कैसे अच्छा है, कैसे श्रेष्ठ है। पहली बात, व्यक्ति और समूह दोनों की स्वाधीनता। लोकतंत्र ही ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति को आजादी प्राप्त होती है। विचार और कार्य की सीमित स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्त कर सकता है, अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। वयस्क मताधिकार, अर्थात जो अपने जैसे वयस्क मताधिकार, जैसे अपने जो है 18 वर्ष रखी गई है, 18 वर्ष जिसकी आयु हो गई है तो वह व्यक्ति वोट देने का उसे अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। चौथा है निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालन, और लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजती है और वे शासन का संचालन करते हैं। पांचवा है शासकों को बदलने का जनता का अधिकार। पांचवा जो है लोकतंत्र ही ऐसा है
यदि मान लो राजा जो है या शासक जो है यदि जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जनता के हित में काम नहीं करता है, जन कल्याण का काम नहीं करता है, तो उसे सरकार या उसे शासक को बदलने का जनता का अधिकार है, वो लोकतंत्र ही है। और छठा है समानता, यानी यहाँ पर अमीर से लेकर के गरीब और यानी कह सकते छोटे बड़े सभी जो है समान है। उनमें यदि योग्यता है तो वे अपने यानी अपनी योग्यता के आधार पर अपना विकास कर सकते हैं, तो वो लोकतंत्र ही है। दूसरा, उन्होंने लोकतंत्र एक व्यापक धारणा और व्यवस्था है। पहले दूसरी बात लोकतंत्र के पक्ष में वो लिखते हैं, नेहरू जी की आस्था थी कि लोकतंत्र एक व्यापक धारणा है। वे लोकतंत्र को एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, जीवन के विविध पक्षों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इनसे जुड़ी हुई एक व्यापक व्यवस्था मानते थे। वो कहते हैं कि ये एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, जीवन से जितने भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी हुई है उन सभी में ये एक व्यापक है। उनका विचार था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं होता। राजनीतिक रूप से अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो नहीं, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए, तभी राजनीतिक लोकतंत्र पनपता है। नेहरू जी लोकतंत्र को एक शासन प्रणाली नहीं मानते थे, वो एक जीवन का आदर्श मानते थे या जीवन का दर्शन मानते थे। और वो ये सोचते थे कि लोकतंत्र के लिए धर्म निरपेक्षता के आदर्श को अपनाना नितांत आवश्यक है। लेकिन लोकतंत्र तभी फलीभूत होता है जब उसमें धर्म निरपेक्षता, अर्थात लोकतंत्र में किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है, तो वह लोकतंत्र फलीभूत होता है और जन कल्याण के काम करता है। लोकतंत्र के पक्ष में वो एक बात और लिखते हैं कि लोकतंत्र एक गतिशील धारणा है। लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ समन्वय की आवश्यकता है। गतिशील धारणा है लेकिन इनकी सामाजिक आर्थिक जो न्याय है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, अर्थात समन्वित किया जाए। नेहरू का विचार ये था कि लोकतंत्र गतिशील और निरंतर विकास में ही धारणा है। लोकतंत्र का नेहरू का विचार ये था कि पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था है जो अधिनायक तंत्र की तरफ जाने वाली है। यदि ऐसे समाज में लोकतंत्र स्थापित हो भी जाता है तो दरिद्रता, आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमताओं, असमानताओं के वातावरण में वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है। पूंजीवाद में यदि लोकतंत्र पनप जाता है, यदि वो गणतंत्र को अपना लेते हैं, तो क्या होता है कि जो व्यक्ति पूंजीवादी है अर्थात जिनके पास बहुत अधिक पूंजी है, तो उनके सामने जो है गरीब जो है वो नहीं टिक पाते हैं, जिससे क्या है कि फिर वो लोकतंत्र ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता और वो मर जाता है। इस दृष्टि से नेहरू जी ने यह कहा था कि भारतीय समाज के जो दलित और पिछड़े वर्ग है उनको विशेष रूप से संरक्षण दिया जाए, विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाए, क्योंकि जब तक सरकार उनको विशेष अवसर प्रदान नहीं करेगी तब तक वे जो है वो अन्य वर्गों के बराबर नहीं आ पाएंगे। चौथा है संविधानवाद और लोकतंत्र के अधिकारों पर बल। लोकतंत्र की चौथी विशेषता उन्होंने बताई है। नेहरू जी सर्वाधिकारवादी जो दृष्टिकोण था उसके प्रबल विरोधी थे, अर्थात व्यक्ति की जो शक्ति है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, अर्थात राजतंत्रीय जो व्यवस्था थी उसके प्रबल विरोधी थे। और वो संविधानवाद में गहरी आस्था रखते थे, यानी कि देश के लिए एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान में जो नियम लिखे हुए उनके अनुसार शासन चलना चाहिए। लोकतंत्र के लिए विधि के शासन को वो आवश्यक मानते थे कि कानून का शासन होना चाहिए। पांचवी, वो कहते हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का आग्रह करते हैं। नेहरू राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक संकट मानते थे। वो कहते हैं कि अगर मान लो शक्ति सारी एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है तो वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धक्का है, लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र उसमें पनपता नहीं है, और वो सत्ता के विकेंद्रीकरण सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। नेहरू ने अपनी इस मान्यता के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना अपनाई थी। अपन जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 से उन्होंने नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगर प्रश्न अब ये भी है, लोकतंत्र के बारे में एक और विशेषता है, लोकतंत्र नैतिक मानदंडों और मान्यताओं की योजना है। नेहरू जी कहते हैं कि लोकतंत्र को केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता, नैतिक मानदंड और मान्यताओं की योजना भी है। उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे विचार में लोकतंत्र का अर्थ आवश्यक रूप से जीवन के नैतिक मानदंडों और मान्यताओं की योजना है। लोकतंत्र के लिए अनुशासन, सहिष्णुता, पारंपरिक सद्भावना अत्यंत आवश्यक है। नेहरू जी ये कहते हैं कि यदि हम विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र से उनका आशय था समाज का आत्मानुशासन, आत्मानुशासन अर्थात समाज का आत्मा से अनुशासन, यानी समाज में आत्मानुशासन भी होना चाहिए।
अगर ये प्रश्न आ जाता इस प्रकार का, जैसे वो प्रश्न आ गया लोकतंत्र के बारे में, तो अब जैसे मान लो ये आ जाता है कि नेहरू जी ने लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में क्या लिखा, तो समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद नाम आता है प्रश्न में, तो आपको ऐसे लिखना है, पहली बात, नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद से क्या आशय था? नेहरू जी लोकतांत्रिक समाजवाद किसको कहते हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में वो लिखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में नेहरू जी पूरी तरह उदारवादी मान्यताओं में विश्वास रखते थे, उदारवाद के समर्थक थे, लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, आर्थिक क्षेत्र में वो अहस्तक्षेप की नीति के समर्थक नहीं थे, वे भारत की आर्थिक समस्याओं का हल समाजवाद में पाते थे। वो कहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था जो है ऐसी है जिसमें अपने व्यक्ति अपने अर्थ की को मजबूत करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनैतिक कार्य भी अपना लेता है, इसलिए उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप जरूरी है। लोकतंत्र तथा समाजवाद दोनों के प्रति उनकी आस्था है और उन्होंने इसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा, लोकतंत्र के प्रति भी और समाजवाद के प्रति। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा समाजवाद संबंधी प्रस्ताव में पंडित नेहरू जो है अध्यक्षता में उन्होंने कहा था, 1929 में पारित किया था राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा समाजवाद संबंधी जो प्रस्ताव है वो 1929 में पारित किया गया था, और वो नेहरू जी की अध्यक्षता में, जब नेहरू जी अध्यक्ष बने थे। जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष थे उन्होंने प्रारंभिक जीवन में ही उन्होंने ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसको अपना लिया था, और भारत की आर्थिक समस्याओं का हल जो है उन्होंने कहा कि भाई ये समाजवाद से ही संभव है, आर्थिक समस्याएं जो समाजवाद से ही हल हो सकती है, इसलिए उन्होंने 12 अप्रैल 1936 को लखनऊ कांग्रेस के सभापति के रूप में उन्होंने कहा कि समाजवाद ही क्यों, इस पर उन्होंने विचार प्रकट करते हुए कहा कि मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि दुनिया की और हिंदुस्तान की समस्या का एक ही हल है और वो है समाजवाद। 12 अप्रैल 1936 को लखनऊ कांग्रेस के सभापति के रूप में उन्होंने ये बात कही थी कि समाजवाद ही मैं क्यों अपना रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी समस्याएं हैं अर्थात आर्थिक समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या में आर्थिक समानता को हम तभी, आर्थिक समानता तभी ला सकते हैं जब हम समाजवादी सिद्धांतों का पालन करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। नेहरू जी के समाजवाद पर प्रभाव, देखिए किससे वो प्रभावित थे, नेहरू जी कुछ हद तक जो है मार्क्सवाद से भी प्रभावित थे, लेकिन मार्क्सवाद को उन्होंने पूर्ण रूप से कभी ग्रहण नहीं किया। मार्क्सवाद की जो एक तो हिंसात्मक क्रांति और वर्ग संघर्ष, इनको उन्होंने कभी भी नहीं अपनाया, इनसे वो सहमत नहीं थे। नेहरू जी का लक्ष्य था सामाजिक समानता और अधिकतम संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना करना, यानी उनका कहना था कि समाज सामाजिक रूप से समान हो और आर्थिक रूप से भी समानता की स्थापना करने का था। तो वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को उन्होंने नहीं अपनाया था। नेहरू जी के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद के काम क्या है? नेहरू जी के अनुसार तो पहली बात है, उन्होंने कहा कि उद्योगों तथा उत्पादन के अन्य साधनों पर राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण के आधार पर समस्त समाज का स्वामित्व होना चाहिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का, कि जितने भी जो उद्योग है उन पर जो उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, समाजीकरण किया जाए, उन पर समाज का या राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन समस्त समाज को सामूहिक हित की दृष्टि में रखते हुए किया जाना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था है तो समस्त समाज को दृष्टि में रख करके करना है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। समाज में जो निम्नतम वर्ग है उनके जीवन को, उन जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्षण बताए हैं उन्होंने। सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये नेहरू जी कहते हैं। चौथा बिंदु है कि नेहरू के नेतृत्व में भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को किस तरह अपनाया। स्वतंत्र हो गया भारत और स्वतंत्र होने के बाद में देश का नेतृत्व, लीडरशिप जो है नेहरू जी के हाथ में आ गई, और नेहरू जी के नेतृत्व में भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। कैसे की थी? कि सर्वप्रथम भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक समाजवाद के तत्वों को अपनाया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, ये सभी लोकतांत्रिक समाजवाद के ही लक्षण देखे जा सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में पांचवी जो उनकी बात है वो लिखते हैं, समाजवादी व्यवस्था का संसदीय प्रस्ताव, समाजवादी व्यवस्था का संसदीय प्रस्ताव। 1954 में केंद्रीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था समाजवादी व्यवस्था की योजनाओं का, और लक्ष्य घोषित किया था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण
किया जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण भी लोकतांत्रिक समाजवाद के आधार पर ही किया जा सकता है। एक बीच में ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु आ जाता है, अबाड़ी कांग्रेस का प्रस्ताव क्या था। अबाड़ी कांग्रेस का प्रस्ताव, तो इसमें आपको प्रश्न आ जाता है तो ये लिखना है कि पंडित नेहरू के नेतृत्व में 1955 में अबाड़ी कांग्रेस का प्रस्ताव पारित किया गया। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। और इस प्रस्ताव में समाजवाद की दिशा में जो परिवर्तन किए गए वो ये थे। अबाड़ी कांग्रेस में, अबाड़ी कांग्रेस का जो प्रस्ताव था या अबाड़ी प्रस्ताव कह सकते हैं, तो उसमें पांच जो है निर्णय लिए गए। इसमें पहला था प्रमुख उद्योग और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण, भूमि सुधार कार्यक्रम या भूमि सुधार योजनाएं, उद्योगों में श्रमिकों का हिस्सा, सहकारिता को प्रोत्साहन, सामाजिक न्याय। ये 500 बिंदु जो है उसने लिखे थे। अगर प्रश्न आ जाता है कि एक समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित हुआ, एक समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण का प्रस्ताव, तो वो हुआ था 1956 के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और न्यायोचित साधनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया था। 1956 में पारित हुआ नागपुर अधिवेशन में। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेहरू और गांधी जी के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन अथवा इनके दोनों के बीच में क्या समानताएं थी, क्या असमानताएं थी। अगर प्रश्न आ जाता है गांधी और नेहरू के व्यक्तित्व में मूलभूत अंतर क्या था, छोटा सा प्रश्न, तो आपको ये लिखना है कि गांधी एक धर्म प्रधान और पूर्वी दर्शन से प्रेरित अंतर प्रज्ञा के आधार पर कार्य करने वाले और विचार और कार्य कुछ सीमा तक आधुनिकीकरण के विरोधी थे। पहली बात तो गांधी जी जो है धर्म प्रधान थे, पूर्वी सभ्यता थी उससे भी प्रेरित थे और यूं कह सकते हैं कि अध्यात्म के आधार पर काम करने वाले थे और आधुनिकीकरण के विरोधी थे। लेकिन नेहरू जी बुद्धिवादी, संशयवादी, समाजवादी और जीवन के सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख व्यक्ति थे। तो मूल रूप से उनमें दोनों में यही अंतर था। हम इतना भी लिख सकते हैं कि नेहरू जी जो है वो आधुनिक विचारों को या आधुनिकीकरण को महत्व देते थे, गांधी जी ने आधुनिकीकरण को महत्व नहीं दिया था। बस प्रश्न आ जाता है कि नेहरू जी पर गांधी जी का क्या प्रभाव था अथवा नेहरू जी के दृष्टिकोण में क्या समानताएं थी, गांधी और नेहरू के दृष्टिकोण में क्या समानताएं थी, नेहरू और गांधी के राजनीतिक दर्शन में क्या समानताएं थी या नेहरू जी पर गांधी जी का क्या प्रभाव था, प्रश्न ये यहां से बन सकता है। तो आपको लिखना है कि नेहरू जी जो है गांधी जी से सबसे पहले 1916 में लखनऊ जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें मिले थे और 1920 में वो गांधी जी के प्रभाव में आ गए थे, अर्थात गांधी जी से पूर्ण तो उनका परिचय हो गया था। अब उनके दोनों के दृष्टिकोण में समानताएं क्या है, देखिए समानताओं में है कि नेहरू जी पर गांधी जी की प्रबल निष्ठा और कार्य की जो लगन थी उसका गहरा प्रभाव पड़ा और गांधी जी सदैव विचारों और कर्म की एकता पर बल दिया करते थे और इस बात से नेहरू जी के मन में गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव को जन्म, अर्थात वो गांधी जी की जो कार्य के प्रति लगन थी उससे वो बहुत प्रभावित हुए। दूसरी बात, नेहरू जी गांधी जी के साहस और सब प्रकार की कठिनाइयों और विपत्तियों के प्रति उनकी चुनौती की भावना के बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने उन विपत्तियों में भी हार नहीं मानी। तो इस बात से वो बहुत अधिक प्रभावित थे कि व्यक्ति को जब कोई काम करना ही हो तो उसके सामने कितनी भी चुनौतियां आ जाती है तो भी व्यक्ति को यानी हारना नहीं चाहिए। तीसरा है, जब गांधी जी राजनीतिक क्रियाकलापों और कार्यशैली के महत्वपूर्ण परिणाम जब सामने आए तो वे राजनीतिक क्रियाकलापों से गांधी जी के भक्त बन गए। यानी गांधी जी के जो काम थे उन कामों का जब रिजल्ट अच्छा आया तो उन अच्छे रिजल्ट से क्या है कि वो उससे प्रभावित हो गए। चौथा है, गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में जो नैतिक मार्ग अपनाया था उसका भी नेहरू जी पर प्रभाव पड़ा था। तो ये इनमें समानताएं थी। अगर मान लो असमानताएं हैं, असमानताएं क्या है, देखिए पहली असमानता क्या है, अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार करने में नेहरू उस सीमा तक नहीं गए जहां तक गांधी जी जाना चाहते थे। अहिंसा, हाँ अहिंसा का मार्ग अपनाया लेकिन नेहरू जी की तरह नहीं। दूसरा, नेहरू जी गांधी जी के प्रन्यास सिद्धांत से सहमत नहीं थे। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था उसमें, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपन कल पढ़े थे कि वजह से गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किया। ट्रस्टीशिप का मतलब है कि गांधी जी ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई संपत्ति बच जाती है तो उस संपत्ति को अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए, उस संपत्ति को समाज हित में या समाज कल्याण में ही खर्च किया जाना चाहिए, उसे अपनी सार्वजनिक संपत्ति माननी चाहिए। तब नेहरू जी कहते हैं कि प्रन्यास सिद्धांत जो है वो सफल नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि नेहरू जी एक बार एक तो ये कहते हैं कि व्यक्तियों को संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ वह कहते हैं कि इन व्यक्तियों से ये अपील की जाती है कि वे अपनी संपत्ति को समूह और संपूर्ण समाज की धरोहर समझे, तो ये संभव नहीं है। तीसरा है, गांधी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के विरोधी थे। नेहरू ने कुटीर उद्योगों पर विकास के साथ साथ तीव्र गति से औद्योगिकरण को भी अपनाने पर बल दिया। तो बड़े पैमाने पर जो औद्योगिक मशीनें थी उनका विरोध करते थे। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, बड़ी मशीनें नहीं, कुटीर उद्योग लगाए जाने चाहिए। नेहरू जी ने कहा कुटीर उद्योगों के साथ साथ औद्योगिकरण भी होना चाहिए। चौथा है, नेहरू का चिंतन और व्यवहार आधुनिकीकरण की दिशा में गांधी की तुलना में बहुत अधिक दूर तक चला गया था। नेहरू ने गांधी की हिंद स्वराज में वर्णित जो आदर्श राज्य की योजना थी उसको स्वीकार नहीं किया था। हिंद स्वराज में जो उन्होंने नेहरू जी ने गांधी गांधी जी ने जो हिंद स्वराज में जो एक स्वराज्य की, या हम कह सकते हैं कि राम राज्य की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को भी उन्होंने सही नहीं ठहराया। अब प्रश्न आ जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में या राजनीतिक दर्शन में नेहरू का क्या योगदान है अथवा नेहरू की क्या देन है। तो सबसे पहली देन है कि भारतीय इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, भारतीय इतिहास को वैज्ञानिक रूप से व्याख्यात करते हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक और आत्मकथा, इन सभी में उन्होंने जो अपने भारतीय इतिहास की जो अव्यवस्थित और असमंजसकारी स्थितियां हैं उन सभी पर उन्होंने गंभीर प्रवचन दिए हैं और उन सभी समस्याओं का हल निकालने का भी उन्होंने दिया है। तो यूं कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। दूसरा है, लोकतंत्र में अटूट विश्वास था, जिसको हम पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था थी। वे ये कहते हैं कि लोकतंत्र को उनके वो ये कहा करते थे कि भारत को राजनीतिक स्थायित्व तो यदि प्रदान करना है, भारत में संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली को की नींव को मजबूत करने का काम करना चाहिए। और लोकतंत्र जो है, उन्होंने ये कहा था कि जो स्वयं भारतीय जनता के हृदय सम्राट की स्थिति प्राप्त होने पर भी उन्होंने अपने आप को लोकतांत्रिक माना था। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक शक्ति में ही विश्वास करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र के बल पर ही मैं आज प्रधानमंत्री हूं। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन कहा किया था, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। यानी उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दूर रहते हुए भारत के लिए एक लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्श का प्रतिपादन उन्होंने किया था। नेहरू का मानवतावाद, नेहरू को मानव स्वभाव की रचनात्मक संभावना में भी विश्वास था और वो ये कहते थे कि वैज्ञानिक मानवतावाद के आदर्श को स्वीकार करना चाहिए। नेहरू जो है, मानव के जो कष्ट और दुख थे उनको देख करके उन्हें बहुत बड़ी संवेदना होती थी, इसलिए उनका जो दर्शन है वो मानवतावाद का आधार थी। अंतरराष्ट्रवाद, नेहरू की अंतरराष्ट्रीयवाद में भी गहरी आस्था थी। वो भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते थे। जब शीत युद्ध हुआ था, युद्ध की अवसंभावना पर उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की आदर्श रखा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने जो है, जो दो महाशक्तियां लड़ रही थी तो उनमें भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत के बल पर उन्होंने उनके बीच में भी सामंजस्य स्थापित करने का काम किया था। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के प्रसंग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर। यानी वो ये कहते थे कि भारतीय जनता अपनी समस्याओं के प्रसंग में बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो यानी यू कह सकते हैं कि जो परंपराएं आदर्श नहीं है, उन अनादर्श परंपराओं को छोड़ दिया जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखना चाहिए। वो धार्मिक पुनरुत्थानवाद के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि धार्मिक पुनरुत्थानवाद से तो क्या है कि हो सकता है कि हम वापस अंधविश्वास में चले जाए, और वो संप्रदायवाद के भी कट्टर शत्रु थे और स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रबल समर्थक थे। अगर प्रश्न आ जाता है गुटनिरपेक्षता से क्या आशय, तो हम ये कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति गुटों से पृथक रहते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति की पालना गुटनिरपेक्षता है। मार्क्सवादी साम्यवाद से नेहरू का विचार किन बातों में भिन्न है? मार्क्सवाद और साम्यवाद, मार्क्सवादी साम्यवाद साम्यवाद से तो विचार भिन्न है। पहले, मार्क्स के विचार बदलती हुई परिस्थितियों अनुसार संशोधित होने चाहिए। दूसरा, नेहरू हिंसात्मक क्रांति को उचित नहीं समझते। तीसरा, वर्ग संघर्ष की धारणा को स्वीकार नहीं करते। नेहरू लोकतंत्र के प्रबल समर्थक। उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपके अच्छे से समझ में आया है, और नेहरू से संबंधित पहला और वीडियो दूसरा, दोनों वीडियो जब आप देख लेते तो नेहरू आपके कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। आज के लिए बस इतने, थोड़ा वीडियो पड़ा है लेकिन बहुत काम का है, इसलिए आपको देखें। जय हिंद, जय भारत।